नमस्कार नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट टाइम हमने प्लांट लाइफ आपके साथ डिस्कशन करना स्टार्ट किया था और उसके अंदर थर्ड यूनिट जो मेरे पास था, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शंस, उसको पढ़ना स्टार्ट किया था। और उसमें रूट्स की बात हमने आपसे कर ली थी कि रूट्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, क्या फंक्शन होता है उनका। तो आज बात कर रहे हैं स्टेम की। स्टेम का मतलब तना, जिसे आप कहा करते हैं। तो वो जो तना होता है किसे कहते हैं तना, कहते हैं स्टेम ऑफ प्लांट ग्रो अबव द ग्राउंड। तना जो होता है वो पृथ्वी से ऊपर उगता है, वे नीचे जड़ें होती हैं और जड़ों के ऊपर जो भाग होता है उसको हम स्टेम कहा करते हैं। मोस्ट प्लांट्स हैव ब्रांचेस विच अराइज फ्रॉम द मेन स्टेम। ज्यादातर पौधों के अंदर जो ब्रांच होती हैं, जो शाखा होती हैं पौधे की, वो किससे निकलती हैं, उसी स्टेम से ही निकलती हैं, है ना। तना ऊपर तक जाता है और उसके साइड में शाखाएं निकलती चली जाती हैं और उन शाखाओं पर क्या लगते हैं, दे होल्ड द लीव्स, पत्तियां लगती हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फूल भी लगते हैं और फल भी लगते हैं। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। स्टेम जो है वो प्लांट को सपोर्ट भी देता है, यानी साधे भी रखता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्री। और इस तने का एक काम और होता है, वे आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जड़ें जो होती हैं, रूट्स जो होती हैं, वो मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी को लेती हैं, पानी की क्वांटिटी को लेती हैं। तो किसको भेज देती हैं, ऊपर तने को भेज देती हैं। और तना क्या करता है, उनको प्लांट के दूसरे पार्ट में भेज देता है, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, ठीक है। अब कहा जा रहा है सॉफ्ट स्टेम्ड सीजनल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। सॉफ्ट स्टेम्ड, जिनकी मुलायम मुलायम स्टेम होते हैं, तने होते हैं और सीजनल प्लांट्स होते हैं, एक सीजन में उगते हैं फिर खत्म हो जाते हैं, फिर अगले सीजन में फिर उगते हैं, तो इस तरह के प्लांट्स को हर्ब्स कहते हैं, जड़ी बूटियां कह सकते हैं जिसे आप। इसके बाद वुडी स्टेम्ड प्लांट्स, वेयर मैनी थिंग वुडी स्टेम्स वर कम आउट फ्रॉम द ग्राउंड आर कॉल्ड शर्ब्स, उन्हें झाड़ियां कहा जाता है। कहता है वुडी प्लांट्स वेयर मैनी थिन वुडी स्टेम्स, अनेक तरह के लकड़ी के स्टेम जो हैं वो तने उसमें से बाहर निकलते हैं और इनको झाड़ियां बोला जाता है, शर्ब्स बोला जाता है। इसके बाद ट्री हैव थिक वुडी स्टेम्स ट्रंक कहते हैं, और जो ट्री जिसे पेड़ कहा जाता है उसके तो बड़े मोटे मोटे तने हुआ करते हैं, और वो मोटे मोटे तने जो हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड द ट्रंक, ट्रंक कहा जाता है, उसे तना कहा जाता है। इसके अलावा कुछ लताएं भी होती हैं जिन्हें बेल कहा जाता है, जैसे आपने देखा तोरी की, घिये की बेल होती है, अंगूर की बेल होती है, उनको कहते हैं वीक स्टेम्ड होते हैं, उनका जो तना होता है बहुत वीक होता है, कमज़ोर होता है। आर आइदर क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, वो क्लाइंब करते हैं, ठीक है ना, वो बेल होती हैं, लता कहा जाता है, वो नीचे से ऊपर की तरफ किसी सहारे के साथ ऊपर चढ़ जाया करते हैं, ठीक है, करेक्ट। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम का फंक्शन क्या होता है, वो जो तना होता है उसका काम क्या होता है, कहते हैं द स्टेम कीप्स द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट, ऊपर की तरफ ले जाता है और सीधा रखता है, एक बात। लीव्स बर्ड्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन द स्टेम। स्टेम के ऊपर पत्तियां लगती हैं, फूल लगते हैं, फल लगते हैं, वो किसी स्टेम से ब्रांचेस निकलती हैं और उन्हीं के ऊपर ये उत्पन्न होते हैं। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स, इसके अलावा मिट्टी की जड़ों में से या जड़ों के द्वारा जो पोषक तत्वों की मात्रा या पानी की मात्रा जो सोखी जाती है मिट्टी में से, उसको वो तने को भेजती है, स्टेम को भेजती है, और स्टेम क्या करता है, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट उनको भेज दिया करता है। इज इट फाइन, ठीक। स्टेम कैरीज फूड मेड बाय द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम क्या करता है, उस फूड को दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में भेज दिया करता है। और लास्ट में कहते हैं सम स्टेम्स लाइक शुगर केन, गन्ना जिसे कहते हैं, पोटैटो, आलू जिसे कहते हैं, अरवी जिसे कहते हैं, जिंजर, अदरक कहते हैं, स्टोर एक्स्ट्रा फूड, उनके द्वारा कुछ एक्स्ट्रा फूड अपने अंदर स्टोर कर लिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको
डायग्राम में दिखाई दे रहा है, शुगर केन, पोटैटो, अरवी, जिंजर, ठीक है। अब कहते हैं पोटैटो, अरवी एंड जिंजर ग्रो अंडर द ग्राउंड, आलू देखो पृथ्वी के नीचे उगता है, इसी तरीके से अरवी भी, जिंजर, अदरक भी, ये अंडरग्राउंड होते हैं यानी पृथ्वी के नीचे निकलते हैं, दे आर कॉल्ड द अंडरग्राउंड स्टेम्स, इनको अंडरग्राउंड स्टेम्स नाम दिया जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के नीचे हुआ करते हैं। वैसे तो ज्यादातर आपको क्या बताया गया कि स्टेम जो है ऊपर की तरफ उठता है, लेकिन ये कुछ स्टेम्स के नाम दिए गए जो कि अर्थ के नीचे होते हैं, पृथ्वी के नीचे से निकाला इन्हें जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमने क्या पढ़ा आज, आज के इस टॉपिक में हमने आज आपके साथ डिस्कस किया स्टेम्स के बारे में, तो आप इसको पढ़िए और इसको याद रखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।